उसको ना छोड़ गया था कोई, इसके साथ छोटा बच्चा भी है। मेरे को कल ही पता लगा इसके बारे में, तो हमने वहाँ पे मतलब वेटनरी में इंजेक्शन वगैरह तो इसको लगाया, लेकिन फिर भी इसकी कंडीशन जो मेरे को थोड़ी सी क्रिटिकल लग रही थी। हम आपका थैंक्स ही करते हैं कि आपने चलो अलाउ किया इसके लिए, बहुत शुक्रिया। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि जगह की प्रॉब्लम होती है, दिक्कत है ना सर, पर नहीं आप जैसे ठीक हो जाएगी हम जी खुद इसको ये कर लोग उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे पर बच्चा साथ में, तो वो बच्चे के साथ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बच्चे को रखने के लिए जगह या ठंड थी, तो उन्हें हमें फोन किया कि हम आपके पास छोड़ देते, फिर ले भी जाएंगे हम, पर आप इसका ट्रीटमेंट कर दो। एलएससी से ये रिकवर्ड है, लेकिन इसके टेल में बड़ा वुंड है। एलएससी की वजह से दो चार वुंड्स और हैं जो कि फट गए हैं। जो वुंड्स हैं वो मेनली बैक एरिया में है, हाइंड लेग है उसका अपर पार्ट में, और एक टेल रीजन पे है। टेल रीजन वाला है वो ज्यादा बड़ा है। टी मैक्स स्प्रे किया था, इनिशियली कोई मैगेट नहीं दिखा, बट अभी जस्ट एक मैगेट निकला, तो अभी इसको हम पैक कर देंगे। कल सुबह जब हम इसको ओपन करेंगे क्लीन, तो अगर कोई भी डेड मैगेट्स होंगे तो वो बाहर आ जाएंगे। तो अब हम उसका एंटीबायोटिक्स और पेन किलर इसका हम स्टार्ट करेंगे, वेरी गुड, और साथ ही साथ में रेगुलर ड्रेसिंग। अच्छा अभी एकदम नॉर्मल है, हेल्दी है, यहीं कहीं घूम रहा होगा अभी। मदर को छोड़ के ड्रैगन के पास खड़ा है। बट वो पीछे कैसे हुआ? दो पीछे आगे दोस्त मिलते हैं। लेकिन लेकिन बस यहाँ से है। हाँ, दिस बस। यस। शायद इसे फ्रैक्चर्ड एरिया में इन्फेक्शन है। राजकुमार का ऐसा है कि स्प्रिंटिंग की वजह से इसके जो नी जॉइंट जो है उसके आगे और पीछे दोनों तरफ खत्म हो गया। जख्म ज़्यादा डीप नहीं है। आज हमने स्प्लिंट ओपन किया, हमने देखा कि उसमें से हल्की हल्की ब्लीडिंग भी आ रही है। अभी हमने डिसाइड किया है कि उनका अभी हम स्प्लिंट ना करके सिर्फ सिंपल ड्रेसिंग करेंगे और डेली फ्लशिंग करेंगे और एंटीबायोटिक्स हमने स्टार्ट कर दिए इसके, और पेन किलर भी। इसका ना गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ है और इसकी पिछली बार टांगें टूट गई दोनों साइड। अच्छा, फिर पट्टी वगैरह आपने करवाई? हाँ जी, हाँ जी, पट्टी मैंने करवाई। अब दो टाइम पट्टी करता हूँ मैं इसको ना, चलता नहीं बिल्कुल नहीं। फूफा पूछ ले, देखो लेकिन जो उसका लेफ्ट हाइंड लेग का जो वुंड है उसमें काफी सारा मल्टीपल फ्रैक्चर है और काफी ज्यादा डीप है, जिसमें हमें बोन्स दिखाई दे रही है। ये डॉग थोड़ा सा डरा हुआ है और पेन में भी है, नर्व सेंसेशंस भी है। हो सकता है कि थोड़ा टाइम बाद चलने लग पड़े, हमें एम्पुटेशन ना करना पड़े। किसी मारा है? लोगों ने मारा है आपको? अभी हमने इसके लिए एंटीबायोटिक्स पेन किलर का स्टार्ट कर दिया है, और थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड है तो हम इसकी फ्रूट थेरेपी भी करेंगे और ड्रेसिंग हमने रेगुलर करनी है। अच्छा अच्छा, सॉरी ना बच्चा, सॉरी, क्या करें हम, खुद ही आप बताओ क्या करूँ मैं। तभी तो ये वाली शॉप पेंसिल लगा रही हूँ आपको मैं, गुड गर्ल। ये डॉग कल ही हमारे पास आया है, इसको पहले विनीता जी ने नदौन में रेस्क्यू किया था और ये उनके पास पिछले 4 महीने से है। ओह माय, दैट्स बैड। ये वाला एक पुराना गांव के साथ बहुत पस है, मैगेट इन्फेक्शन भी है। You want your video like this? Yeah, it's not very dignified. बस हो गया ना, भारी है बच्चे को। बहुत लंबा समय आपके साथ, थोड़ा स्प्रेड है तो अभी उसका कान अंदर और बाहर बहुत बहुत ज़्यादा गाफ है, थोड़ा खून थोड़ा प्लस। तो अभी हम ब्लड सैंपल लेना एंड चेक दूसरा इन्फेक्शन, दूसरा प्रॉब्लम, अगर दूसरा प्रॉब्लम है। मनो, गंदी बातें होती है ये सारी की सारी, समझे? नहीं तो वेनू पता क्या बोलेगा वहाँ पे जाके, पता है उनका जो लड़का बहुत बदतमीज है। ट्रीटमेंट कराऊंगी एंटीबायोटिक के साथ पेन किलर, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द यहाँ है। चलो भाई, तो तुम घुमा ले रहे सर, सब कुछ की आईवी आईवी। जब ये डॉग हमारे पास आया था तो इसकी फ्रंट लाइन इंजरी थी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बोन सारी एक्सपोज थी। हमने इसके इंजेक्शन और ड्रेसिंग स्टार्ट कर दी थी, लेकिन इसमें इंजरी की वजह से ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ था। तो आज इसको हल्का सा फीवर है और ये थोड़ा सा डाउन भी लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेट भी है, तो डिहाइड्रेशन को हम ओवरकम करने के लिए इसकी फ्लूइड थेरेपी स्टार्ट कर रहे हैं। सो विद फ्लूइड थेरेपी, हमें फ्लूइड थेरेपी में थोड़ा केयरफुल रहना होगा
और मेरे हिसाब से अगर आप NS इतने कम ब्लड में देंगे तो उससे प्रॉब्लम्स और ज़्यादा हो सकती हैं। तो RL की जितनी वॉल्यूम हम डिसाइड करते हैं हमें उसे धीरे धीरे देना होगा। काफ़ी धीरे देना पड़ेगा। Like 1 drop per 3 seconds, kind of slowly. हमने करनी थी, जब तक ये वुंड पूरा क्लियर नहीं हो जाता तब तक हमें वेट करना होगा। आ जाओ बच्चे, निकल जाएगा सुधांशु, अच्छा है डॉग। It's okay. बस दर्द है ना, आराम से बस आ जाओ। तो बाहर ही आ गया पूरा, मैं तो बस डॉग को बोल रही थी बाहर आ जा। आ जाओ बेटू, गुड बॉय। बस हो गया बेटा। इतना गुड बॉय, इतना ज़्यादा। जो केयर टेकर्स है ना उनसे मैंने बात की, अभी इसकी सर्जरी हमें पोस्टपोन करनी पड़ी है एम्पूटेशन की। इसका पीछे का पूरा लेग बहुत बुरे तरीके से टूटा हुआ है ना, तो एम्पूटेशन रिक्वायर्ड था लेकिन हमने पोस्टपोन कर दिया क्योंकि जब ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आई है। टिक फीवर है इसे, ब्लड भी काफ़ी कम है, तो अभी 21 डेज का इसका एंटीबायोटिक का कोर्स चलेगा। ब्लड के लिए जो सिरप चलने हैं वो चलेंगे और हमें थोड़ी सी जगह की ज़रूरत है, और इसके जो केयर टेकर्स हैं वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है। जो बैंडेजिंग है वो हम रेगुलर जाके करेंगे प्रॉपरली, लेकिन जो मेडिकेशन है मतलब जो सिरप्स है, टैबलेट्स है, फूड है, वो लोग वो सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे डॉग को। और जब ये 21 डेज़ के बाद एक बार और ब्लड टेस्ट के बाद अगर फाइनल होता है कि हाँ डॉग रेडी है, तो फिर हम इसकी सर्जरी के लिए इसको यहाँ वापस शिफ्ट करेंगे। एक्चुअली इसका सच में रिकवर भी किया था ना बीच में, सेकेंड टाइम जब वो इसको लेके आया था, इस गले के नीचे था, और अब जब देख रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो मैंने इसको बोला कि आप यहीं शिफ्ट कर दो। मसूरी बहुत छोटी सी पपी थी जिसको रॉबिन से रेस्क्यू करके लेके आए थे, क्योंकि अकेली इधर उधर भटक रही थी, तब वो यहाँ पास में ही तियारा में अडॉप्ट हुई थी। को वहाँ पे स्किन कंडीशन का इशू आने लग गया जिसका ट्रीटमेंट यहाँ पर चल रहा था। पहली बार जब हुआ तो वो ठीक हो गई, उसके बाद फिर से उसको वो स्किन कंडीशन हुआ। स्किन को लास्ट टाइम इसको पहले इन्फेक्शन हो गया था, मल्टीपल इन्फेक्शन था इसको, तो एक हफ्ते पहले इसके लिए थी मेडिसिन हमने यहाँ से ना, तो अभी फिर से बोला था कि एक हफ्ते बाद चेकअप के लिए आ जाना फिर से। आप इसके सिरप्स वगैरह कंटिन्यू रख रहे हो ना? उसके बाद भी फिर हमने ट्रीटमेंट चेंज की, फिर वो ठीक हो गई, लेकिन अब वो स्किन कंडीशन वापस से आ गई है उसको। अभी उसका स्क्रैप लिया है पर उसकी स्क्रैप अभी एग्जामिन नहीं हुई है, जैसे एग्जामिन हो जाएगी अभी उसके बाद आपको एक क्लियर डायग्नोसिस बता देंगे। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इसकी कोई देखभाल करता है, ये कोई स्किनी स्ट्रीट डॉग तो नहीं है। तोड़ा कौन बेबी? ये ओ ही's currently good condition, good body condition, like 6 out of 9, 5 out. Okay, so we can walk. We're just not very happy about it. Okay. Shayad trauma hai. Shayad a chemical, thoda poisonous ingestion hai. Could be. ये अपना neck बिल्कुल lift नहीं कर पा रहा है. इसको definitely neck पर swelling है. अगर इसे poisoning हुई होती तो ये salivate या vomit करता. ठीक से खाना नहीं खा पाता और इसका body temperature भी अलग होता. मोस्ट लाइकली ये ट्रॉमा से डील कर रहा है क्योंकि इसकी आईज की डायरेक्शन भी डिफरेंट है। अभी इसको आरएल दे रहे हैं बिकॉज़ ही इज स्लाइटली डिहाइड्रेटेड। उसके अलावा हम लोग मल्टीविटामिन सिरप्स, कैल्शियम सिरप्स और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो सिरप्स यूज करते हैं वो दे रहे हैं। एंड ऑब्जर्वेशन, यस क्लोज ऑब्जर्वेशन। अभी दो दिन तो कम से कम बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। ये कब मिला आपको? कल शाम को जब वॉक पे गए थे तब। गुड बॉय। गिरा पड़ा था ये, अभी नहीं पता कि हुआ क्या है, उड़ तो नहीं पा रहा है ये, फिश शेक कर रहा है। थोड़ा बहुत फ्रीक आउट था ना, मैंने कहा कि स्वेटर पहन रखा, स्वेटर पे लपेट लिया तो काट रहा था ये थोड़ा स्वेटर को, फिर रात भर तो मेरे कमरे में ही सोया। हेलो फ्लाइंग फॉक्स, फ्रूट बैट? या नो, आई नो व्हाट इट इज। रात को सोया आराम से उल्टा? हाँ वही तो उल्टा टंगा हुआ। अच्छा इसको तो ये कंफर्टेबल रहेगा ना अगर ये ऐसे रहे सीधे। मैंने इसको केला दिया था वो तो नहीं खाया था इसने। क्या देख, फ्रूट एंड नेक्टर इस तरह की चीज़ें खाते ना, पर पानी का मुझे नहीं पता कि पानी कैसे देंगे इसको। बाहर नहीं निकालोगे? मना यार, ऊपर से मना कर रहा, अब नहीं पीना ना। और मना कर दिया ना भाई, उसने हमला किया उससे।
भाई हो गया भाई, पी बैठा ये। उसका नाखून ऐसे है, अब हम इसको कवर करेगा और चला जाएगा। बैट्स को हैंडल करने के लिए ना हमारे पास स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स थे और ना ही हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, इसलिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कंसल्ट किया था और वहाँ से कुछ लोग यहाँ पर आए थे। जब इनके पांव जमीन में लग जाए ना, ज़्यादातर हमने सुना है इसके बारे में, उसके बाद कम ही होता है चांस, पर फिर भी अगर बच रहा हो तो हम तो वेटनरी से हम लोग करवाते हैं ट्रीटमेंट। करवाओगे ना, मेन हम डायग्नोस ही नहीं कर पा रहे हैं ना उसको कि इसका अगर कोई पैर टूटा है, कोई इंजरी हुई है, कोई पंख टूटा है, कुछ और ऐसा तो नहीं है। हमें लगा कि शायद बेहतर अगर है यहाँ डिपार्टमेंट है तो शायद वहाँ पर हो जाएगा, लेकिन अब मुझे नहीं पता था कि वुमेन कैटेगरी में आता है तो शायद मुश्किल है। आपको कोई अनुभव नहीं है? नहीं, कोई नहीं। हम लोग तो ये है कि ट्रीटमेंट करवा के जैसे जू वगैरह में देते हैं, जो भी जंगली जानवर वगैरह आता है तो हम एक बार डॉक्टर से दिखा लेते हैं ना इसको। हाँ जी, ठीक है। पंथा बोल रहे हैं चढ़ी हॉस्पिटल में, यही डायग्नोसिस करवाने की कोशिश करते हैं। आप भी थोड़ा लेकिन पता करना। हाँ, मैं पता करूँगा, हो जाए तो। आपको कुछ होगा तो मेरे को फ़ोन कर लेना, आपने मेरा नंबर आ गया आपके पास है ना। हाँ हाँ सर, चले जाओ। वॉक कर रही है क्या? हाँ, ये वॉक तो कर रही है, पहले व्हीलचेयर लेके वॉक कर रही थी। नाउ शी कैन वॉक ऑन हर ओन। गो गो कम।